एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को याद होगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना तो भूलिए मत। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आपको कौन सी नई वीडियो देखनी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं और जानिए मैं कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ आज। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। तो आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ कुछ सवालों के बेस पे। जो लोग मुझे सवाल करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके सवालों का जवाब दिया जाए और उनको दी जाए उनकी जानकारी। तो कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया है कि भाई हमारी स्किन बहुत अर्ली एजिंग हो जाती है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि डार्क सर्कल हो गए हैं। तो उन पे ही आज मैं सब लोगों को बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कैसे टेक केयर करनी चाहिए और कैसे आप यंग फॉरएवर रह सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग ऑलवेज ऐसे तो नहीं रह सकते, राइट? क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो सब कुछ शुरू होता जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, सो मेनी थिंग्स, राइट? लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम उसे बैलेंस में रख सकते हैं। जैसे कि अभी मौसम है तो मैं ऑलवेज वेदर के हिसाब से कोई ना कोई वीडियो लेके आती हूँ जो कि मैं बताती हूँ कि आप कैसे अपनी स्किन की टेक केयर कर सकते हैं, अपनी बॉडी की टेक केयर कर सकते हैं, कैसे हेल्थी रह सकते हैं। तो इसी बार मैं लेके आई हूँ, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि मॉनसून शुरू हो गया है, बहुत सारी रेन होती है, तो रेन में हम लोगों को कैसे अपनी बॉडी की टेक केयर करनी चाहिए और कैसे हम लोगों को अपनी स्किन की टेक केयर करनी चाहिए। स्किन का तो मैं सबसे पहले, आप लोगों ने थाउजेंड वीडियो देखी होंगी, सब में बोला जाता है कि पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। हाँ, ये सच है कि पानी पियो, पानी तो पीना चाहिए, सब लोगों को पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो पानी पीते हैं हम लोग तो वो अंदर से क्लीनिंग होती है और क्लीन होने के बाद हमारी बॉडी के आप यदि क्लीन नहीं होती तो आपकी स्किन पे वो दिखती है। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी जो अंदर से टॉक्सन होंगे जो वो क्लीन नहीं होंगे वो आपकी स्किन पे ऐसे दिखेंगे, क्योंकि आपकी जो किडनीज हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी, वो क्लीन नहीं करेंगी, तो वो आपकी स्किन पे दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आपकी स्किन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको डार्क सर्कल होने शुरू हो जाएंगे, आपको पिंपल्स शुरू हो जाएंगी, इट्स सो मेनी थिंग्स। तो आप पानी पीजिए। दूसरी बात कि आप सनस्क्रीन, चाहे कोई भी वेदर हो, सर्दी हो, स्नो पड़ रही हो, कुछ भी हो, लेकिन आप सनस्क्रीन लगाना कभी मत भूलिए, क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छी है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि अभी तो बहुत सारा कैंसर का चल रहा है, क्योंकि आपको कहीं पे भी, स्किन पे भी, आपकी किसी भी जगह पे आपको कैंसर हो सकता है। जैसे कि अभी रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है कि स्किन कैंसर अभी बहुत हाई रेटिंग पे है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर और आपका लेडीज़ का मोस्टली यूट्रेक्स कैंसर बहुत हाई रेटिंग पे चल रहा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली फॉर इंडियन पीपल, हम लोग अपनी, जो कि हम लोग एशियन हैं, राइट, इंडियन पीपल हैं हम, कोई भी हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों की कमजोरी यही है कि हम लोग अपनी स्किन का पूरा ध्यान नहीं देते। हम लोग सनस्क्रीन लगाने से पता नहीं क्यों झिझकते हैं, उसे हम लोगों को सेव नहीं करना है, हमें वो लगानी है। और मोस्टली इन दिस वेदर तो आपको वाटर प्रूफ मेकअप कीजिए, वाटर प्रूफ सनस्क्रीन लगाइए, और आप थोड़ा लाइट भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी हाई ऑयली वाली लगानी है, जी नहीं, ऑयली वाली सनस्क्रीन तो बिल्कुल ही नहीं लगानी है, क्योंकि वो तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगी। क्योंकि इन इस वेदर में आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, तो ऑयल बहुत ज़्यादा स्किन पे हो जाता है। जिनकी ड्राई स्किन है दैट्स टोटली डिफरेंट, वरना कॉम्बिनेशन स्किन है जो ऑयली स्किन है इन पे तो बहुत सारा ऑयल आता है, जैसे कि मेरी भी स्किन है, मुझे भी बहुत सारा ऑयल आता है, और जो कि इट्स नॉट गुड, क्योंकि जो वो ऑयल निकलेगा तो वो आपके स्किन पे रहेगा और आपको जब आप बारिश में जाओगे तो
वेट हो जाएगी आपकी स्किन और उस पर धूल मिट्टी सब कुछ उसके ऊपर ऊपर लेयर बनती जाएगी और जो आपके पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और क्लॉग होने के बाद आपको निकलेंगी फेंसियाँ, आप पिंपल्स और आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे ही धूप में, जिस दिन धूप भी होती है, धूप में भी यदि रेनिंग भी हो तब भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, लेकिन जब धूप होती है तो धूप में क्या होता है, हम लोगों की स्किन को वो डैमेज करती है और हम लोगों को अर्ली एजिंग आनी शुरू हो जाती है क्योंकि उससे रिंकल्स आनी शुरू हो जाती है। तो आप एक्सफोलिएट कीजिए एवरी सिंगल डे, जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो भी कर सकते हैं और जैसे कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी। तो तीन बार, दो और तीन बार वीक में जरूर आप क्लीन कीजिए और उसके बाद ये मत सोचिए कि आपकी स्किन पे ऑलरेडी ऑयल है तो आपको कुछ नहीं लगाना। जी नहीं, आपको आपका कोई भी फेवरेट जो लोशन है या क्रीम है, कोई भी आप लगाना चाहते हैं जो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है, वो आप लगाइए क्योंकि मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, टोनर जो आपकी स्किन के हिसाब से है, टोनर को कभी, मोस्टली इन मॉनसून में तो कभी भी स्किप मत कीजिए क्योंकि क्या होता है इस वेटी वेदर में जब बहुत सारा मॉइस्चर, जबकि रेन होती है तो मॉइस्चर होता है, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है और क्या होता है आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शेद आपको नज़र आएंगे उनके इस चीज़ पे और टी जोन पे मोस्टली बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि वो लोग टोनर नहीं यूज़ करते। टोनर आपको यूज़ करना चाहिए क्योंकि जब आप टोनर लगाते हो तो वह आपके पोर्स को क्लीन करता है और उन्हें मिनिमाइज करता है, वो बहुत छोटे हो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, छोटे होते हैं और आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो टोनर आपकी चॉइस से आप ज़रूर लगाइएगा। और रही बात आपकी बॉडी की, तो आप पानी पीजिए, उसे अच्छा सा क्लीन कीजिए। जब आप बाहर जाते हैं, आपको रेन हो गई है आपके ऊपर, तो जल्दी से आकर घर पे आप शावर कर लीजिए और अपनी बॉडी को वो पानी से क्लीन कर दीजिए। और आपके जो इन दिनों में हेयर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, वैसे तो ठीक है लेकिन वो ड्राई हो जाते हैं, तो वो आप उसे ऑयलिंग कीजिए और अच्छे शैम्पू से वॉश कीजिए। और इन दिनों में आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी तो आप टी ट्री ऑयल लीजिए, उसे आप 4 और 5 ड्रॉप्स उसके आप पूरी शैम्पू की बॉटल में डाल लीजिए और जब भी उससे आप शैम्पू करेंगे तो वो आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे ख़त्म कर देगा। तो आपको सेपरेट कोई भी शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये शैम्पू लेना है, वो लेना है, डैंड्रफ का लेना है, तो आपको इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद कुछ लोगों को क्या होता है कि इस जब वो बाहर जाते हैं तो वो शूज़ और ऑफिस में जॉब करते हैं, शूज़ पहनते हैं, सॉक्सेस पहनते हैं, तो यदि आप ऑफिस में जॉब नहीं करते, आप कहीं पे भी जॉब करते, यदि आपको अलाउ है तो कोशिश कीजिए, आप बाहर वैसे भी ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप ओपन शूज़ पहनिए क्योंकि उससे क्या होगा वो आपके फीट को वेट नहीं होने देंगे और यदि उसमें जो बारिश होगी उसका पानी भी जाएगा और वो राइट वे ही ड्राई हो जाएगा। लेकिन जब आप बंद शू पहनेंगे वो वेट हो जाएंगे, तो आपकी सॉक्सेस वेट हो जाएगी, तो उससे आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो उंगलियां होती हैं फीट की, उनके अंदर वाइट वाइट फंगल इन्फेक्शन और नेल पे फंगल इन्फेक्शन होती है, वो जो वाइट दाग दिखते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप ओपन शूज़ पहनिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एज सून आप घर पे आते हो, आप शावर लेते हो, तो उसके बाद आप क्या करें, एक बर्तन में बॉल में पानी लेके, वार्म वाटर लेके, उसमें आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप उसमें थोड़ा सा टी ट्री ऑयल की 1-2 ड्रॉप्स डालिए, उसमें अपने फीट को 5-10 मिनट
सोक कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी फंगल इन्फेक्शन जाएगी, आपके फीट क्लीन होंगे और वो स्मेल भी गुड करेंगे और उनसे पसीने की बदबू नहीं आएगी। तो ये आपको बहुत जरूरी है जो टिप आपको करना चाहिए। और यदि आपके शूज़ वेट हो चुके हैं तो उन्हें ड्राई कर लीजिए, उसमें आप बेकिंग सोडा डाल के उसे रख दीजिए, उसके बाद उसे क्लीन कर दीजिए ताकि उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज है, जब कुछ भी है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए और उसकी स्मेल चेंज हो जाए। और जो बारिश में हम लोग कपड़े पहनते हैं उसे भी आप जल्दी से उतार दीजिए और उसे वॉश कर दीजिए, वरना उनमें से भी स्मेल आएगी। यदि आप उन्हें पहन ही रखेंगे तो वो क्या होता है कि वेट होते हैं और उससे आपको रैशेस हो सकती है, क्योंकि जब वो कपड़ा आपकी स्किन पे रब होता है तो आपको रैशेस हो जाती है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों से आप जल्दी से निकलिए। और आप मेक श्योर कीजिए कि जो आपका फेस है, आपका नेक है, और इसे आप अच्छे से वॉश कीजिए एटलीस्ट 2 times in day। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि फेस का ध्यान देते हैं, हम लोग नेक को और पूरी बॉडी को हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि फेस ही इम्पॉर्टेंट है। जी नहीं, आपकी पूरी बॉडी ही इम्पॉर्टेंट है। और आप बाहर का खाना मत खाइए, ऑयली फूड इन दिनों में थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि इस मंथ में हम लोग ज़्यादा बारिश होती है तो हम लोग भजिया बना लेते हैं और चाट ऐसा कुछ बहुत खाते हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए उसे मिनिमाइज़ कर दीजिए, क्योंकि जो ऑयली फूड है वो भी आपके लिए बहुत बैड है। क्योंकि जब मोस्टली इन दिस वेदर आप ऑयली फूड खाते हो तो उससे भी आपको बहुत सारा पसीना आता है, जैसे कि स्पाइसी फूड हम लोग खाते हैं तो उससे बहुत पसीना आता है और उससे भी आपको बदबू आती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें और इस मौसम में इंजॉय कीजिए, लेकिन थोड़ा लिमिट में रहकर। और यदि आप ऐसा अपनी बॉडी को क्लीन करते रहेंगे और आप इसे इंजॉय करेंगे तो आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं और अपनी स्किन को भी अच्छे से रख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मेरे थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप मेरी वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए जल्दी से लेके आऊँगी एक और नई वीडियो। तब तक बाय बाय, रब रखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे हैप्पी एंड हेल्थी।